हेलो दोस्तों, स्वागत है एक फ्रेश न्यू वीडियो में। तो वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए वीडियो किस चीज़ के ऊपर है, जो कि है मैं एक प्रोडक्ट मंगाया हूँ जो कि है गोप्रो का हीरो 10 11 का जो है ना, सॉरी गोप्रो हीरो 10 का जो है ना मीडिया मॉड, जो कि मैं मंगाया हूँ imstudent.com से। तो ये जो है ना एक अननोन साइट है, मीन्स होगा बहुत सारे लोग कुछ कुछ मंगाते होंगे, बट मैं इसमें फ़र्स्ट टाइम मंगाया तो मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल भी था कि इसका जो प्रोडक्ट है आएगा कि नहीं आएगा, कि क्या होगा, मतलब कुछ दिक्कत ना हो जाए, मतलब या हो सकता है डिलीवरी भी ना हो करके, बट ऐसा कुछ था नहीं। मत बस थोड़ा सा ऐसा है कि डाउटफुल रहता ही है मन में, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट चीज़ जो है ना, मतलब फर्स्ट टाइम अगर मंगाते हो कोई भी अननोन साइट से तो आपको ट्रस्ट नहीं बन पाता है। बट जैसे मैं इसको मंगाया हूँ तो मेरे को अभी थोड़ा सा ट्रस्ट जो है ना बिल्ड हो गया है ना। तो और ना मेन जो है ना, ये मैं मंगाया था 4th ऑफ मार्च में, आज हो रहा है 12th ऑफ मार्च, तो इतने दिनों में ना इन्होंने डिलीवरी दिया है अराउंड 8 डेज़ के बाद। तो जब मैं 4th मार्च को इसको मंगाया था ना, तो इसको मंगाने के लिए ना, ये सबसे पहले तो मैं कैश ऑन डिलीवरी मंगाया था, बट जो है ना प्रीपेड अमाउंट कुछ देना पड़ता है। तो अराउंड प्रीपेड अमाउंट जो था ना उनका, ऐसा था कि 5% आपको देना पड़ेगा प्रीपेड अमाउंट। तो मैं 5% का प्रीपेड अमाउंट पहले से दे दिया था, क्योंकि उनको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था उसके हिसाब से। तो ऐसा है कि उसके बाद ना, जब 4th मार्च को मैं ऑर्डर किया ना, तो उसके मैं 2 3 दिन तक भी देखा ना, तो उसमें प्रोसेसिंग ही दिखा रहा था। तो मैं उनको बहुत कोशिश कर रहा था कॉल करने का कि मतलब इनका जो जो प्रोडक्ट है मेरा, ये इन लोगों ने मतलब शिपिंग जो है इन लोग कब करेंगे करके, बट इनके तरफ से ना मतलब कोई भी मतलब कॉल का आंसर नहीं मिल रहा था। फ़ोन रिंग हो रहा था बट कोई भी आंसर नहीं मिल रहा था। देन फाइनली जो 8th ऑफ मार्च है ना, इसमें इन्होंने फ़ोन को पिक किया एंड मैंने सब कुछ बताया, जो भी मेरा ऑर्डर नंबर एंड जो भी था। तो उन्होंने बताया कि अभी आपका जो प्रोडक्ट है ना, ये शिफ्ट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो पिन कोड है ना, यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने बोला कि भाई कुछ भी करो, मेरे को तो चाहिए प्रोडक्ट, वरना कैंसिल कर दो करके। तो इन्होंने बताया कि नहीं सर, आज हम शिफ्ट कर देंगे एंड कैश ऑन डिलीवरी भी मिल जाएगा। तो उन्होंने उस टाइम पर बताया कि आज शिफ्ट हो जाएगा, बट ना मैं उसके 1 2 दिन के अंदर और भी फॉलो अप देखा साइट में जाके, ऑर्डर में तो प्रोसेसिंग ही लिखा था। तो आज ना 12th ऑफ मार्च है, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था कि भाई इन लोगों ने शिप क्यों नहीं किया करके। जब मैं फिर अच्छे से व्यू डिटेल में जाके ऑर्डर्स के देखा, तो उसमें बताया कि शिफ्ट हो गया है एंड मेरे जो यहाँ पे मीन्स मेरा जो प्लेस है यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आज डिलीवरी हो जाएगा करके। तो अभी जस्ट 1 घंटा पहले मुझे डिलीवरी मिला है। तो मैं बोला कि वीडियो को बना लेता हूँ एंड इसको एक क्विक अनबॉक्सिंग भी करूँगा। एंड देखो भाई, प्रोडक्ट जो है ना, अब मैं इसको अनबॉक्स करने के बाद देखता हूँ इसमें सही में प्रोडक्ट है कि नहीं, तो इसलिए भी एक टाइप से प्रूफ के तौर के भी ये वीडियो को बना रहा हूँ मैं। तो जल्दी से इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकेजिंग जो है ना बहुत ही अच्छा है इसका, एंड इसलिए भी मैंने इसको परचेज़ किया, क्योंकि अमेजोन से ना ये अराउंड 700 रुपीज़ कम दिखा रहा था। ये जो मीडिया मॉड, जब आप अमेज़ॉन में सर्च करोगे तो आपको कुछ 7700 का दिखेगा, बट मेरे को यहाँ पे 7000 का ही मिल गया, तो इसलिए भी मैं इसमें साइट से ऑर्डर किया। तो जैसा कि लग रहा है ना भाई, प्रोडक्ट तो इसके अंदर है एंड भाई जेन्युइन प्रोडक्ट है। पैकेजिंग वगैरह ठीक है, इसके अंदर कोई भी जो है ना, ऐसा अमेज़ॉन में जैसे होता है ना बबल रैप टाइप का नहीं है, बट पैकेजिंग ठीक है। एंड देखो भाई, अननोन साइट से मंगाया बट प्रोडक्ट जो है ना, मतलब मिल जाने का एक वो है कि चलो भाई कम से कम कुछ फ्रॉड नहीं हुआ एंड प्रोडक्ट जो है मिल गया, तो अच्छा है। अमेजोन से सस्ता मिला है एंड मैं imstudent.com को भी, आपको भी प्रिफर मतलब बोलना चाहूँगा कि आप भी जाके परचेस कर सकते हो इस साइट से। मतलब मेरे को तो ट्रस्ट लगा, बट आप मंगाओगे तो ऐसा नहीं कि मेरा सुन के आप मंगा रहे हो। बस मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ वीडियो को, ताकि एक आपको प्रूफ मिल सके कि हाँ मतलब मैं जो भी प्रोडक्ट मंगाया हूँ वो मेरे पास डिलीवरी हो गया है। तो ऐसा है कि फ्रॉड साइट तो नहीं है, बट आप अपने रिस्क पे आप मंगा सकते हो प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं, बट कैश ऑन डिलीवरी करके ही मंगाना, ज़्यादा महंगा हुआ प्रोडक्ट तो ठीक है। तो अब इसको एक बार मैं खोल के देख लेता हूँ। इसका भी भाई गोप्रो टाइप का ही है, यहाँ से एक सील दिया होगा, इसको ऐसे 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 खींचने से खुलता है एंड ये इतना ही खुलता है ना, मतलब पूरा ऐसा ओपन नहीं होता है। तो सबसे पहले तो भाई ये कुछ पेपर वर्क वगैरह है जो कि ज़रूरत नहीं है एंड बॉक्स में कुछ नहीं है, एंड ये कुछ 2 माउंट दिए हुए हैं, एक तो ये दिया हुआ है एंड
एक ये फ़ोन को मीन्स फ़ोन या फिर आप गोप्रो का अपना लगा भी सकते हो दोनों में से। ये गोप्रो को बेसिकली लगाने का है, बट आप फ़ोन वगैरह भी लगा सकते हो, आपके पास फ़ोन टाइप का कुछ माउंट रहा तो। एंड ये रहा इसका मीडिया मोड, एंड अंदर और कुछ है नहीं वैसे। ये भी जो है ना, इसके अंदर एक प्लास्टिक का रैप टाइप का है, मतलब ये पूरा प्रॉपर सेट हो जाता है इसमें लगाने के बाद। ये देखो ऐसा लगने के बाद ना पूरा देखो प्रॉपर ये सेट हो जाता है इस टाइप का। तो इसको ऐसे भी ज़रूरत पड़ता नहीं है, अगर मतलब ऐसा आप अगर हाथ में लेके व्लॉग बना रहे हो तो ज़रूरत पड़ेगा, वरना इसका ज़रूरत नहीं है। तो इसको साइड में रखते हैं, एंड देख सकते हो मीडिया मोड भाई एकदम ओरिजिनल है प्रोडक्ट, कोई भी डुप्लीकेट वाली बात नहीं है इसमें। तो इसमें से अगर मैं गोप्रो को भी लगा के देख लेता हूँ, एंड इसके अंदर शो भी हो रहा है कि नहीं वो भी देखता हूँ। तो ये है मेरा गोप्रो जो कि है हीरो 10 ब्लैक। तो इसका सबसे पहले तो ये ओपनर को खोलना पड़ेगा। तो इसको आपके पास गोप्रो होगा तो आपको पता है कैसे खोलना है, नहीं है तो बता देता हूँ। इसको थोड़ा सा हल्का सा खींचोगे देन ये करोगे निकल आता है, एंड इसको हल्का सा से पलटाना पड़ेगा तो ये बाहर आ जाता है। ये देखो ये गोप्रो का नहीं है एक्चुअली, ये गो थ्रू एक मैं कनेक्टर मंगाया था। गोप्रो का महंगा है, इसमें अराउंड 1500-1600 का है गोप्रो का, तो मैं इसको 300-400 रुपये में मंगाया था ऑनलाइन ही। एंड ये जो है ना, इसमें भी ऐसा कुछ है, इसको ऐसे खींचने से ये भी खुल जाएगा। एक मिनट, ये देखो इसको ऐसे खींचोगे ना जैसे गोप्रो खुलता है, इसका भी बेसिकली वैसे ही खुलता है। ये देखो इसको जब ऐसे खींचोगे नीचे तरफ तो ऊपर से ऐसे खुल जाता है। देन इसको जो है ना, ये देखो गोप्रो का ढक्कन हटा दिया, एंड इसको ऐसे ही अंदर डालना है। इसको देखो माइक सामने तरफ है, एंड ये एकदम इजीली घुस जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। एंड ये कनेक्ट हो गया है, कनेक्ट होने में उतना कुछ नहीं लगता है, हल्का सा ऐसा करके प्रेस कर देने से ये कनेक्ट हो गया अपने आप से। देन इसको मैं मेरे ख्याल से स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाए करके अंदर नहीं जा रहा है, पहले मैं थोड़ी देर के स्क्रीन प्रोटेक्टर को निकाल के रखता हूँ साइड में। हाँ अब ये पूरा प्रॉपर घुस गया, एंड ये लग गया है। ये स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा था करके अंदर नहीं जा रहा था, बट अब लग गया है। एक बार गोप्रो को चालू करते हैं, तो यहाँ से भी डायरेक्ट मैं चालू कर सकता हूँ अब तो, जो कि ऑन हो गया है। एंड इसमें मीडिया मोड कनेक्टेड का ऑप्शन भी दिखा रहा है देखो तो। एंड नीचे वॉइस वगैरह के लिए भी जो है ना वो ऐसा शो कर रहा है डिटेल वगैरह जो भी है। तो ये था एक क्विक अनबॉक्सिंग, एंड क्या बोलते हैं मीन्स ये जो IMS स्टूडेंट का जो एक जो प्रोडक्ट मंगाया है, इसका भी एक रिव्यू था प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये प्रोडक्ट मतलब जो साइट है ये जेन्युइन है। तो आप भी जाके इससे प्रोडक्ट वगैरह मंगा सकते हो। एंड इसमें भी ऐसा कुछ अनबॉक्सिंग में उतना कुछ वो मतलब फीचर बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि मीडिया मोड जो है ना नॉर्मल एक ऑप्शन सा रहता है इसमें। आप देखो बस ये रहता है कि मीडिया मोड एंड एक दो जैसे एक वो भी आता है गो थ्रू कनेक्टर बोलते हैं, गो थ्रू कनेक्टर मीन्स जिसमें आपका वो भी लग जाता है क्या बोलते हैं मीन्स अलग से एक जो रहता है ना अडेप्टर, कैमरा अडेप्टर बोलते हैं उसको, वो लग जाता है ना उसमें। आप जो है आप एक साथ चार्जिंग और एक साथ मीन्स वो नहीं कर सकते हो, सॉरी एक साथ चार्जिंग बोल रहा हूँ मतलब चार्जिंग एंड जो माइक है ना उसको एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए और अराउंड उसके लिए भी स्टैंड वगैरह लगता है, तो अराउंड अराउंड सेम ही पड़ जाता है। तो उससे अच्छा ना मैं ये मंगा लिया हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। इसमें देखो आपको 3.5 mm लगाने के एक हेडफोन जैक का दिया है, ऊपर में जो है एक तो आपको टाइप सी कनेक्टर मिलेगा जो कि चार्ज करने के लिए, एंड ऊपर में एक माइक मतलब एक HDMI केबल लगाने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें जो है ना आप बिना मीडिया मोड को निकाले आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड जो हाँ गो थ्रू में कनेक्टर में ऐसा रहता है ना कि आप चार्ज एंड जो ईयरफोन उसको भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको अगर फाइल वगैरह ट्रांसफ़र करना है ना तो उससे वो नहीं होता है, उसके लिए ना पूरा कनेक्टर को निकालना पड़ता है एंड अलग से केबल लगा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा वो भी महंगा भी पड़ रहा था, वो भी 4000 अराउंड कुछ का है, बट इससे अच्छा है कि भाई डायरेक्ट मीडिया मोड ले लो, एक हैंडी भी रहता है एंड बढ़िया काम करता है। तो यहीं तक रखते हैं वीडियो को, आपको वीडियो कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके भाई को बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। एंड मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।